दिल्ली पुलिस के हाल ही में दोबारा लॉन्च किए गए ट्रैफिक प्रहरी एप्लीकेशन के जरिए पिछले 22 दिनों में 2500 से ज्यादा उल्लंघनों की जानकारी मिली। ट्रैफिक पुलिस द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार 28 अगस्त से 18 सितंबर के बीच 7242 लोगों ने मोबाइल ऐप डाउनलोड किया है और 3128 नए यूजर्स ने खुद को रजिस्टर किया। आंकड़ों के अनुसार उस अवधि के दौरान कुल 2513 उल्लंघन के मामले सामने आए। गौरतलब है कि पिछले महीने ही उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने ट्रैफिक पुलिस को 1 सितंबर से ट्रैफिक प्रहरी नाम के तहत ट्रैफिक सेंटिनल मोबाइल ऐप को अपग्रेड करने और फिर से लॉन्च करने का निर्देश दिया था। योजना के तहत मोबाइल एप्लीकेशन दिसंबर 2015 में लॉन्च की गई थी। इस एप्लीकेशन से नागरिकों को खतरनाक और गलत साइड ड्राइविंग, डिफेक्टिव नंबर प्लेट्स, अनुचित पार्किंग या फुटपाथ पर पार्किंग, ऑटो रिक्शा या फिर टैक्सी चालकों द्वारा दुर्व्यवहार या उत्पीड़न, अधिक चार्जिंग, रेड लाइट जंपिंग, ऑटो रिक्शा से जाने से इनकार करने जैसे उल्लंघनों की रिपोर्ट करने का अधिकार देता है, या फिर टैक्सी चालक दोपहिया वाहनों पर 3 सवारी, वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग करना, स्टॉप और पीली लाइनों का उल्लंघन करना, बिना हेलमेट के सवारी करना और बिना सीट बेल्ट के वाहन चलाना भी इसके अधिकार क्षेत्र में आता है। ऐप के जरिए फोटो और वीडियो अपलोड करके यूजर्स आसानी से पुलिस को इन उल्लंघनों के बारे में सचेत कर सकते हैं, जिससे जल्द कार्रवाई करने में मदद मिलती है और संभावित रूप से दुर्घटनाओं को टाला भी जा सकता है। इस पहल में नागरिकों की भागीदारी को और बढ़ाने के लिए उपराज्यपाल ने ट्रैफिक प्रहरी ऐप के एक्टिव यूजर्स के लिए मासिक पुरस्कार प्रणाली शुरू करने का भी ऐलान किया है। ट्रैफिक उल्लंघन की रिपोर्ट करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करके इस योजना का मकसद एक अधिक सतर्क और जिम्मेदार समुदाय को बढ़ावा देना है। आप नागरिक बस ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। आपको सिर्फ अपने मोबाइल नंबर के साथ रजिस्टर करना है और ट्रैफिक नियम उल्लंघन के सबूत जमा करना होगा, जिससे अधिकारियों के लिए नियमों को लागू करना और सड़कों पर व्यवस्था बनाए रखना आसान हो जाएगा। दिल्ली पुलिस और उपराज्यपाल द्वारा यातायात प्रबंधन में जनता को शामिल करने के लिए किया गया ये ठोस कदम दिल्ली में सड़क सुरक्षा को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ये शासन में सामुदायिक भागीदारी के महत्व और सिटीजन्स और अधिकारियों की सामूहिक जिम्मेदारी को उजागर करता है, ताकि एक सुरक्षित, सुनिश्चित, अनुशासित यातायात का माहौल बन सके। टेक्नोलॉजी का फायदा उठाकर और नागरिक भागीदारी को पुरस्कृत करके ट्रैफिक प्रहरी पहल कई शहरों के लिए एक मिसाल कायम कर रही है, जो जटिल शहरी चुनौतियों का समाधान करने में मदद करेगी। दिल्ली वालों को यातायात प्रबंधन में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए सशक्त बनाने की दिशा में ट्रैफिक प्रहरी एप्लीकेशन एक महत्वपूर्ण कदम है। हजारों उल्लंघनों की रिपोर्ट पहले ही आ चुकी है और उपयोगकर्ताओं की संख्या भी बढ़ रही है। ये साफ है कि समुदाय शहर की सड़कों को सुरक्षित बनाने में योगदान दे रहे हैं। ये पहल न केवल सहभागी शासन की क्षमता को उजागर करती है, बल्कि नागरिकों और अधिकारियों के बीच सड़क सुरक्षा के लिए कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी मजबूत करती है।